कि आपने अभी कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, हम उस वीडियो को नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद का जो एजेंडा शुरू हुआ है, उस कुछ खैरातियों ने वो खेल शुरू किया कि शुक्ला जी, एक प्रवेश शुक्ला नामक एक युवक जो विधायक प्रतिनिधि मतलब विधायक का चेला चाटी था, बीजेपी से जुड़ा हुआ था, और उसने एक किसी दलित किसी गरीब के शराब के नशे में उसने पेशाब किया। ऐसी घटना थी कि उसके लिए जितनी सजा दी जाए वो बहुत कम है। कोई भी आदमी कभी इस चीज को मान्यता नहीं देगा, को किस पार्टी से जुड़ा है, किसी का भाई भी हो। ये जेम्स राय का जो चेला जो खैराती पांडे, उसने अपने बलात्कारी भाई के शब्द लिए एक शब्द भी नहीं बोला अपने बलात्कारी भाई के लिए, लेकिन वो भी इसके लिए आज कूदा है, और पूरा जेम्स राय के चेलों का गैंग कूदा है। और हमने जेम्स राय उस खैराती के वाल पे भी जाकर उससे कहा है, जरा सा इस बात को देखिए, वो आदमी अरेस्ट हो गया। कल तक ये एक नाटक कर रहे थे, वो अब अरेस्ट हो चुका हुआ है, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया सबसे कठोर कार्रवाई के तहत, शराब के नशे में था। फिर भी इतना ही नहीं हुआ है, उसके घर पे योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन इन खैरातियों को देखिए, ये लोग कल तक कह रहे थे कि क्या हुआ उसका, बीजेपी का नेता है, दलित को ऐसे किया। जरा सा इस चिरकुट को, जरा पहले एक चिरकुट को जरा सुन लें, इस चिरकुट को जरा सुनिए सर। ये सब भी अपने आप को पत्रकार कहता है वैसे। इसका सेवन ऑडियो करने नहीं आ वाले रहा क्या? खुद को परम देशभक्त, भारत माता के सपूत और पक्के वाले सनातनी मानते हैं। जय श्री राम का नारा, भगवा चोला, अंगोछा या झंडा इन्हें बेलगाम होने की ताकत देता है। ये दलित या आदिवासी, ये एससी एसटी, इनकी औकात क्या है हमारे सामने? ये तो इसी लायक है। यही सदियों पुरानी वो सोच है जिसकी गहरी जड़ें इस प्रवेश शुक्ला के भीतर भी बैठी होगी। कोई आफ्ताब, महताब या इमरान नाम का गुनाहगार मिला नहीं कि उसके गुनाह को बड़ी साजिश के तौर पर स्थापित करने में पूरा इकोसिस्टम जुट जाता है। क्या इसको हिंदू मुस्लिम का मामला देकर एक तरह से एक धर्म को फिर टारगेट करने का बहाना खोजना ठीक है? या इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आफ्ताब पूना वाला एक गुनाहगार है और एक लड़की का कातिल है? उसको कंस्पिरेसी कहना, उसके बहाने हिंदू मुसलमान एंगल देते हुए मुसलमानों को टारगेट करना, ये आपकी मानसिक विकृति के अलावा कुछ नहीं है। सर, इसकी मानसिक विकृति का क्या किया जाए? ये अपने आप को पत्रकार कहता है, आज तक इसे बोलने नहीं आया। राजीव शुक्ला की पूंछ पकड़ करके ये सीधे संपादक बन गया। ये सड़क छाप सनसनीबाज जो सनसनी फैलाने का धंधा करता था, ये देखिए कि खुल करके इसने अपने नाम में अंजुम लगाया है, जाति से अपर कास्ट भूमिहार है ये बेगूसराय का। लेकिन शरारत देखिए किस हद तक ये दंगा कराना चाहता है। इसने क्या कोई शुक्ला हो गया, ऐसा नहीं, ये खुद जो है वो ब्राह्मण भूमिहार है। लेकिन इसके षड्यंत्र को देखिए, जीवन भर इसने जातिवादी की है, पूरी पत्रकारिता जातिवाद की है, और ये कह रहा मानसिक विकृति। ऐसे लोगों की मानसिक विकृति सरकार कैसे ठीक करेगी? क्योंकि अब जरूरत है ऐसे लोगों की मानसिक विकृति ठीक करने का, क्योंकि इस इन लोगों के लाखों लाख जो व्यूवर्स हैं, ये षड्यंत्र करके इस देश में द्रोह कराना चाहते हैं। अब देखिए कि वो आदमी पकड़ा गया, 24 घंटे के अंदर ना सिर्फ पकड़ा गया, उसके घर पे बुलडोजर चल गया। अब जब बुलडोजर चल गया, आप देखिए ये में पूरा इस खैराती को देखिए, ये खैराती लिख रहा है, राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति में रहकर भी प्रवेश शुक्ला नहीं बदला। राष्ट्रवाद की आड़ में जाति अहंकार अहंकारी बनकर इसके जैसे असंख्य लोग होंगे, कितनी नफरत होगी प्रवेश शुक्ला में। इस बार तो पकड़ा गया ना, पकड़ा गया ना, जाने ऐसी हरकतें कितनी बार करती किया होगा। धर्म की राजनीति ने जाति के अहंकार और को और सर चढ़ा दिया है। मतलब इन लोगों को लग रहा है कि ये जाति में जो क्यों नहीं बट पा रहे हैं लोग, जाति में ये हिंदू एक क्यों हो रहे हैं? इसका भाई बलात्कारी, गैंग रेप करने वाला, ये खलियर खैरातियों का धंधा। इतना ही नहीं हुआ, जेम्स राय के चेलों ने उसके बाद जब ये द्वारी करके है, अनुराग द्वारी करके, इसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये देखिए जरा वीडियो, ये फर्जीवाड़ा जरा देखिए। घर बदल के लाएगी तो अपने घर में खा लेगी, तो रोटी कहाँ जाएगी?
आपको साफ लगेगा कि ये रोने की नौटंकी हो रही है, दोनों के चेहरे पे अभाव भाव से पता चल जाएगा ये रोने की नौट। मैं क्यों कह रहा हूं ये, इनके घर को तोड़ा नहीं गया, कायदे से तोड़ दिया जाना चाहिए, इनके घर को तोड़ा नहीं गया, साइड का जो जो अवैध निर्माण था वो तोड़ा गया। कानून में यही हो सकता है, अवैध निर्माण ही आप तोड़ सकते हैं और यही योगी अपनाते हैं। मतलब कल तक ये, मतलब कुछ घंटे पहले तक ये कह रहे थे कि ये ब्राह्मण है, ऐसा कर दिया, ये बीजेपी मानसिकता, अरेस्ट भी हो गया, यूएपीए 24 घंटे के अंदर लग गया इसके ऊपर, इसके घर को भी 24 घंटे के अंदर उस हिस्से को तोड़ दिया गया। अब तोड़ दिया गया तो विक्टिम कार्ड कि मैं इसीलिए कहता हूं कि बुलडोजर संस्कृति सही नहीं है, ताकि अतीक और मुख्तार पे बुलडोजर नहीं चल सके। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है जो खैराती गैंग भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। हाँ मनीष जी, ये इसके घर पर बुलडोजर चला, इसके अवैध हिस्से भी चला, इसके पूरे घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था। ये वैसे बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री और वहां के गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा को कि त्वरित कार्रवाई की और कठोरतम कार्रवाई की, लेकिन अभी कम है। इस आदमी के पूरे घर को नेस्तनाबूत कर देना चाहिए, वैध और अवैध का मुकदमा फिर ये लड़ता रहे। सरकार है, सरकार के पास बहुत से मुकदमे चलते हैं, ये भी एक मुकदमा चलेगा। इस आदमी के घर को बिल्कुल एकदम ध्वस्त करके मटिया मेट कर देना चाहिए। और मैं जरा उसके कारण कुछ और बता रहा हूँ, और अजीत अंजुम का जो अभी आपने वीडियो दिखाया उसके बाद मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल वही कारण है। ये आदमी मनीष जी साधारण अपराधी नहीं है। ये जो इसने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हुए इसने वीडियो बना, वो कोई इसने साधारण कृत्य नहीं है, या कोई अचानक या गुस्से में किया गया, शराब के नशे में किया गया कृत्य नहीं है। पूरा देश का मीडिया इसको बहुत दूसरे रूप में दिखा रहा है, एक तरह से भटका रहा है, या वहां तक पहुंच ही नहीं रहा उस मुकाम पे जिसके तहत ये घटना हुई है। मनीष जी ये कोई कारण अभी तक नहीं बता पाया ये प्रवेश शुक्ला, तथा कथित प्रवेश शुक्ला, कि उस आदमी पर वो पेशाब क्यों कर रहा था। और सबसे खास बात, वो दैनिक मजदूर है। अभी मैं इसका एक दूसरा एंगल भी बताऊंगा कि वो दैनिक मजदूर है, वो इधर उधर घूम के दिन में काम करता था, उससे उसकी रोटी चलती थी, उसको रोक कर उसने उसके ऊपर पेशाब की, बाकायदा हाई रेजोल्यूशन के मोबाइल कैमरे से उसका वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल किया गया। और वो वीडियो वायरल होते ही ये सारे खैराती यहाँ दिल्ली में नाचने लगे। तो ये मनीष जी सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया, ताकि ये इस आदमी पे तो मुकदमा कुछ और चलना चाहिए। मनीष जी, इस आदमी को पैसे दिए गए हैं, और मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि इस पर यूपीए लगाइए, एनएसए लगाइए, इसका घर पूरा रौंद दीजिए और इसको एनआईए को हैंड ओवर करिए। ये आपके मध्य प्रदेश पुलिस के बस का नहीं है, ये आदमी नहीं है, बिल्कुल, इसको, बिल्कुल। इसको एनआईए के हैंड ओवर किया जाए, इसके सारे फाइनेंस बैंक अकाउंट, इसके जितने इस तरह के अकाउंट जहां से इसके फाइनेंस जुड़ा हो उसकी जांच हो, इसके मोबाइल फोन की जांच हो पिछले साल भर की, ये किससे किससे इसके संपर्क थे, किससे बात करता था, किससे इसने बात की और इस घटना को अंजाम दिया। मनीष जी, इसको पैसे देके जानबूझकर ये काम करवाया गया है। और मुझको तो लगता है कि वो जो जिसके ऊपर पेशाब की गई उसको भी इसने कुछ पैसे दिए होंगे कि ऐसा करते तुम भी इतने पैसे ले लेना। ये जानबूझकर देश में आदिवासी बनाम सवर्ण, आदिवासी बनाम जनरल, ये आग लगाने का इससे खतरनाक कोई हथकंडा हो ही नहीं सकता था। इस आदमी के घर पे आधा बुलडोजर चला गया, शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ी कसर बाकी रखी है, इसके घर पे पूरा बुलडोजर चले, इसको ये यूपीए यूएपीए और एनएसए तो लगे ही लगे, इसको एनआईए के हैंडओवर करिए, क्योंकि ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जो सोरोस की थैली इधर रही है, मैंने उस दिन बताया था कि केनिया के एक विचारक ने कहा था कि इस कैम्ब्रिज एनालिटिका आई थी, उसने हमारे समाज में आग लगा दी, इतना ज्यादा तनाव विष भर दिया कि हमको उससे उबरने में दशकों लगेंगे। तो जब जैसे ही ये घटना आई मनीष जी, मेरे दिमाग में तत्काल वो कौंधा कि आपको सीधे सीधे राजनीति से चीजों को जोड़ के देखते हैं, राजनीति से चीजें जोड़ के नहीं होंगी, अगले साल भर के अंदर इसी तरह की घटनाएं जो समाज में बिल्कुल दो फाड़ विभाजन कर दे, जहर फैला दे, और उसका एक बहुत मजबूत और खतरनाक एक हथकंडा अभी सामने आया है। अभी मनीष जी ने आपको बताया कि जब उसने पेशाब की थी तो ये उसका वीडियो लगातार सारे खैराती दिल्ली के सारे सेकुलर सारे विरोधी विपक्षी नेता लगातार उसको वायरल कर रहे थे, लेकिन इनको मनीष जी असल में ये जो उसके बुलडोजर चलाने का विरोध कर रहे हैं उसका कारण भी बता देता हूँ कि वो जो शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलवाया, एनएसए लगा के यूएपीए लगवाया है, उसके बाद इनको ये डर लग रहा है कि आगे ये इस तरह का पैसा देके आदमी सेट नहीं कर पाएंगे। अब इनसे पैसा लेकर इस तरह का कुकर्म करने का, देशघाती कुकर्म करने का, देश में जहर फैलाने का हिम्मत
जल्दी कोई करेगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा मेरे घर पे चल जाएगा बुलडोजर और मुझको लगेगा एनएसए, इसने ये सोचा होगा कि मैं पेशाब कर दूंगा, मुझे 2 4 5 6 महीने की सजा होगी, मैं जमानत करा लूंगा, हो जाएगा, केस चलता रहेगा, कोई कत्ल थोड़ी कर रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, जिन्होंने मामले की गंभीरता को समझा। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस आदमी को एक एक तो पहले 24 घंटे इसको कोई जवाब क्या जरा ठेठ वाला सिपाही दरोगा हो उसके हवाले करके इसकी सेवा ठीक से करवाइए, तो हो सकता है ये कुछ उगले, और न हो तो फिर इसको एनआईए के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि ये निश्चित तौर पर बहुत देशघाती साजिश का अंग है। ये आदमी जो पैसे लेके ये काम कर रहा था, इसको पैसे, इसके सारे बैंक अकाउंट चेक कराइए, इसके फाइनेंस कहाँ से थे, ये किससे बात कर रहा था, इस घटना को अंजाम देने से 15 20 25 दिन पहले से ये किसके संपर्क में था, बल्कि पूरे इसके 6 महीने के निकलवाइए, कोई नई साजिश समझ के खुलकर सामने आएगी, और जिसमें ये खैराती और ये विरोधी ये पूरी तरह नंगे हो जाएंगे। मनीष जी, ये 4 5 महीने बाद देखिए, समझिए दर्शक कह रहा हूं, 5 4 महीने 5 महीने बाद मध्य प्रदेश का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, और ये दोनों प्रदेश आदिवासी बाहुल्य हैं, तो ये सीधे सीधे इस तरह का कुकर्म करके एक समाज में दो फाड़ विभाजन करके, और आपने, मैंने कहा ना कि मेरी इस बात, मेरी जो शंका थी उस पर रही सही पुष्टि इस धूर्त ये अजीत अंजुम ने कर दी। ये उसको लेकर भाजपा भगवा पट्टा और पीला पट्टा और ये हिंदू धर्म इससे जोड़ के, ये इनको केवल एक बहाना चाहिए था जो उस कुकर्मी ने प्रस्तुत कर दिया, और उसको लेकर ये उसी काम में जुट गए जिस काम के लिए उससे ये करवाया गया। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि वो आदमी बिका, उसने पैसे लेके कुकर्म किया, और जानबूझकर एक उसको ढूंढा गया जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है, ताकि खुलकर एकदम खड़ा विभाजन कर दिया जाए। तो ये सामान्य घटना नहीं है, सामान्य अपराध नहीं है, ये आदमी देशद्रोही गद्दार आदमी है, और इसमें कई लाठी टूट जानी चाहिए, पुलिस की भाषा में कहूं, और ये अपने टांगों पर चलने लायक ना रहे, इसको इस तरह से इसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये मनीष जी मैंने कहा ना, जातिगत हिंसा या जातिगत विद्वेष का मामला ही नहीं है, ये इसने देशघाती कुकर्म किया है, देश में वर्ग वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, उसके एक बहुत बड़ी आग लगाने का ये ट्रिगर पॉइंट थी ये घटना। ये अगर इसमें मैं फिर धन्यवाद दूंगा वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा को, कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई की, कठोरतम कार्रवाई की, ज्यादा इनको नाचने गाने का मौका नहीं दिया, अन्यथा मनीष जी इस इन घटना चिरकुटों ने सर कल्पना नहीं की होगी कि यूएपीए लग जाएगा इनके ऊपर, ये चिरकुटों ने कल्पना नहीं की होगी, और इन्हें लगा कि ब्राह्मण नाम है, शुक्ला है। भाई यदि इसको ब्राह्मण है तो क्या हम और सतीश जी इसका सपोर्ट कर देंगे? क्या उन जिहादियों की तरह की जिहादी चुप्पी लगा देते हैं इस तरह की आतंकी घटना पर भी कि जिहादी है? इसीलिए इन शरारती लेफ्टिस्टों ने, देखिए ये रवीश कुमार पांडे भी क्या है, पांडे है, ये जो चिरकुट है ये भी वही है। इन लोगों को इसी समझ लीजिए कि जान बूझ करके, ये आमतौर पे इसी वर्ग के लोग ये षड्यंत्र क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें इन्हें फाइनेंस किया जाता है। ये यदि इस तरह की चीजें बोलेंगे तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, मतलब कोई जिहादी यदि ये बात करेगा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई रवीश पांडे यदि ये बात करेगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। ये अंजुम लगाया हुआ चिरकुट जो है, इसे तो बोलने तक नहीं आता सर, ये पता नहीं कैसे पत्रकारिता में घुसा हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आता, इसे बेसिक लेवल पत्रकारिता का नहीं समझ है, ये सालों संपादक कैसे रहा, ये चिरकुट को समझना चाहिए कि कम से कम खबरों का एक बेस क्या होता है। मगर ये लोग जब आप देश के खिलाफ षड्यंत्र में लग जाते हैं तो आप क्या खेल करते हैं इसका लेवल समझो। इसीलिए मुझे लगता है एनआईए की जांच इन जैसे लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए कि एकाएक ये क्यों कूदे, और जो ही सरकार ने पकड़ लिया, करे नहीं, हम तो बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। इसलिए कल को अदालत हमेशा एक बात कहती है सजा के समय कि ये सजा देश पे आम आदमी को दिया गया संदेश है। अब बुलडोजर ये कि दोबारा कोई गलती ना करे, लेकिन ये तो चाहते हैं चीजें होती रहे और किसी मुख्तार के ऊपर बुलडोजर ना चले, एकाएक इनकी फट गई जो ही बुलडोजर चली तो सब एजेंडा नहीं, फिक्स हो गया। हाँ, इनका आगे का, इनका आगे, अब इनको आगे ऐसा आदमी नहीं मिलेगा दूसरा, कुछ दूसरे तरह का कुकर में जिनको कराना हो पैसे देके, तो अब आदमी को भय होगा। उत्तर प्रदेश में तो नहीं ढूंढ पाए, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने संदेश दिया, अब इनको इनको ये लग रहा है कि अगर इस तरह की सजा होगी, इस तरह के सरकार का एक्शन होगा, तो ये जो आगे का षड्यंत्र है पिछले अगले 9 महीने तक के लिए, 2024 के चुनाव तक के लिए, उसके लिए इनको इस तरह के कुकर्मी ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ा होगा। उस आदमी ने इसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए में उसने सोचा होगा कि बड़ा सस्ता सौदा है, इसको कर लेते हैं, मगर अब उसकी समझ में आ रहा होगा कि उसने किया क्या है। और ये संदेश आपने सही कहा कि इस तरह के कुकर्मियों के लिए ये
ये संदेश है कि क्या होगा, लेकिन अभी इसको सजा कम मिली है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि इसके पूरे घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, इसको मटिया मेट कर देना चाहिए, तहस नहस, और ताकि सत्य पता लगाना चाहिए, सरकार को सामने लाना चाहिए कि इसके पीछे का खेल क्या है। एकदम ऐसा लग रहा है सर कि वीडियो रिकॉर्डिंग एक बेहतरीन कैमरामैन से वीडियो रिकॉर्डिंग कराया किया गया है। एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में मैं ही समझ रहा हूं, एक बेहतरीन कैमरामैन से इसकी रिकॉर्डिंग कराई गई है, करा के इसको वायरल कराया गया ताकि ये खैलातियों को नाचने के लिए मिले, ये सब इसमें शामिल। मैंने इसीलिए कहा एनआईए से जांच हो, ये सब लपेटे में आ जाएंगे, इनके सबके फाइनेंस की जांच होनी चाहिए, इनको पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन भेज रहा है, इनके जो डोनर है उनके उनकी जरा प्रोफाइल सरकार को निकालनी चाहिए।